फ्रेंकी तेज ज्ञान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक लाया हूँ। ये काफी छोटी ट्रिक है पर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम क्रोम में कोई चीज यूज करते हो और कभी बाय एक्सीडेंटली हमारा टैब क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से हम काफी रिग्रेट करते हैं। पर अब आप नहीं करोगे। अब मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिससे आप उस टैब को वापस रिस्टोर कर सकते हैं सिर्फ कीबोर्ड की 3 बटन से। तो चलिए मैं आपको कैसे बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना क्रोम यूज करता हूँ। क्रोम को मैं यहाँ पर पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, पहले मैं यहाँ पर 2 टैब कर लेता हूँ। ये देखिए, पहले यहाँ पर यहाँ मैं लिखता हूँ, गूगल ट्रांसलेट का एक पेज खोल लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ देखिए, कस बाय एक्सीडेंटली ये टैब मुझसे क्लोज हो गया। अब क्या करूँ मैं, वापस उसको मुझे लाना हो तो मुझे हिस्ट्री में जाके फिर लाना पड़ता है। पर अब ऐसा नहीं है। अब इस ट्रिक से आप सीधा 3 बटन दबाएंगे और वो टैब वापस आ जाएगा। तो बटन है आपको सिर्फ कीबोर्ड के 3 की को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको कंट्रोल दबाना है, उसके बाद शिफ्ट दबाना है और उसके बाद टी दबाना है। ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट टी यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ। ये देखिए, वापस वही फाइल जो मेरा गूगल ट्रांसलेट का ओपन किया था वो आ गया। इससे क्या होता है कि आप जितने भी फाइल बाय टू बाय क्लोज करोगे उतने ही बार आप टी दबाओगे, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस वापस कंट्रोल शिफ्ट टी, उतने ही फाइल जितने आपने पीछे क्लोज किया होगा वो फाइल ऑटोमेटिक ओपन होती जाएंगी। तो फ्रेंड, ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।